हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऑडियंस एंड गाइज, हाउ आर यू टुडे? आई होप दैट एवरीवन इज एक्सट्रीमली एंड एब्सोल्युटली फाइन। मैं प्रवेश कुमार आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स, मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, यानी कि जो चैप्टर हमने प्री वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, इस चैप्टर पर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तिसानी दोसी, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, यदि आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप, आपकी कंप्लीटली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ इस पूरे वीडियो लेक्चर को, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच कीजिएगा। और एट लास्ट यदि आपको लगे कि आपको प्रॉपरली समझ आएगा, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप से बन गई है, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट, पॉइंट बनाते हैं, डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द थर्ड चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इसका टाइटल स्टूडेंट्स। और इस टाइटल के अंडर में जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल पेपर में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए प्लीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो हमने प्री वीडियो पर डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, उसको आप दो या तीन बार अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसमें वोकैबुलरी काफ़ी टफ दी गई है, काफ़ी उसमें जियोलॉजिकल टर्म्स दी गई हैं जो कि आपको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है स्टूडेंट्स, राइट। और इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ स्टूडेंट्स कि यदि आप ये जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको यदि आप प्रॉपरली समझ लेते हो, तो डेफिनेटली फाइनल पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस चैप्टर में से पूछा जाए और आप उसका आंसर ना दे पाओ, राइट। तो ये डिपेंड करता है अब आपके इंटरेस्ट पर, ओके। तो देखिएगा, हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनामिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड, किस प्रकार से भूगर्भीय, जियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, भूगर्भीय, फिनामिना क्या होता है घटनाएं, किस प्रकार से भूगर्भीय घटनाएं हेल्प अस, हमारी सहायता करती हैं टू नो, जानने में, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड, मानव जाति के इतिहास को जानने में भूगर्भीय जो घटनाएं होते हैं किस प्रकार से हमारी सहायता करती हैं। और जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं स्टूडेंट्स, सभी के सभी टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चंस का जो एक समरी होता है, जो मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी था उस पर हमने डिस्कस किया था, वो सभी के सभी क्वेश्चंस स्टोरी में से ही हैं ये, ओके। तो स्टोरी पढ़ने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आंसर देखिएगा, ए स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल फिनामिना, यानी कि भूगर्भीय घटनाओं का जो अध्ययन होता है स्टूडेंट्स, उससे क्या होता है, कैन गिव अस द क्लू, उससे हमको प्रमाण मिलते हैं, उससे हमें क्लू मिलता है, मिल सकता है, एज टू वेयर वी हैव कम, कि जहाँ से हम आए, यानी कि जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा एग्जिस्टेंस रहा है, तो स्टूडेंट्स जो ह्यूमन बींग है उसका जो एग्जिस्टेंस इस प्लेनेट पर रहा है वो कितने वर्ष पुराना है, हम कहाँ से आए हैं, ये सब चीज़ें जानने के लिए, किस ओर हम जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए जो भूगर्भीय घटनाएं हो रही हैं वो हमारी बहुत हेल्प करती हैं, राइट। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और संभवतः शायद उसी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज पॉसिबली बाय स्टडिंग कॉर्डिलियन फॉल्ट्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स, और ये संभव हो सकता है बाय स्टडिंग, अध्ययन करने से, कॉर्डिलियन फॉल्ट्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स, यानी कि कॉर्डिलियन की जो सतहें हैं और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट की जो ढालें हैं, इनके इंपॉर्टेंस का अगर हम अध्ययन करते हैं, इनके महत्व का यदि हम अध्ययन करते हैं, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो लाइफ टाइम है इस प्लैनेट के ऊपर वो कितना पुराना है। तो यदि हमें इन सभी चीज़ों का पता लगाना है स्टूडेंट्स, तो हमें भूगर्भीय घटनाओं का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमनकाइंड, मानव जाति के भविष्य के क्या संकेत हैं। आंसर देखिएगा, मैन हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि ह्यूमन बींग का जो स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस है ऑन दिस प्लेनेट अर्थ पर, वो ज़्यादा पुराना नहीं है, उसको 12,000 वर्ष पुराना माना गया है, राइट, नियर अबाउट 12,000 ईयर्स अगो ये टाइम माना गया है। और यदि हम इस टाइम का कंपेयर करें अपने प्लेनेट के लाइफ से, तो बहुत ही स्मॉल पीरियड है, लेकिन इस स्मॉल पीरियड में भी ह्यूमन बींग ने, इंसान स्टूडेंट्स, बहुत अधिक प्रोग्रेस की है, राइट। उसके बारे में डिस्कस करना है कि जो मानव जाति है उसके जो फ्यूचर के क्या संकेत हैं। तो मैन हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, मनुष्य ने बहुत अधिक प्रगति की है, बट दिस प्रोग्रेस हैज़ एन एडवर्स साइड, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, किंतु इस प्रगति की वजह से मनुष्य का नुकसान भी बहुत हुआ है, यानी कि जो ये प्रोग्रेस स्टूडेंट्स हैज़ रखती है एन एडवर्स साइड ऑल्सो, इसका एक विपरीत पहलू भी है, यानी कि प्रोग्रेस है तो उसका एडवर्स भी है, यानी कि उसका विपरीत भी है, यदि हम तरक्की करते हैं तो उसके साथ साथ कोई ना कोई चीज़ मिस भी होती है और हम नेचुरल रिसोर्सेज का जो है डिप्लीशन कर रहे होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम, यानी कि प्रोग्रेस के दौरान काफ़ी पोल्यूशन बढ़ा है, एनवायरनमेंट में काफ़ी पोल्यूशन हो गया है।
द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग, ओजोन परत का विनाश हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लैंकेट बन गया है अर्थ के चारों तरफ, जो फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं, तो उससे ओजोन लेयर जो है वो नष्ट हो रही है। तो इस वजह से हम काफ़ी पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं, राइट, प्रोग्रेस के साथ साथ, जो बहुत ही नुकसान का है। देयरफॉर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड आर ब्लीक, इसलिए मानव जाति का जो भविष्य है उसके जो संकेत है ब्लीक है, बेरंग है, वो इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं है स्टूडेंट्स। प्रोग्रेस के साथ साथ रिग्रेस भी हो रही है, एडवर्स साइड भी है प्रोग्रेस का, और हम पोल्यूशन को काफ़ी हद तक बढ़ा रहे हैं अपनी इस प्रोग्रेस के कारण। तो इसलिए हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए, कुछ ऐसा प्रोसेस होना चाहिए प्रोग्रेस का जिसमें पोल्यूशन कम से कम हो, राइट। अभी देखिएगा थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, Why do people visit Antarctica? यानी कि लोग अंटार्कटिका की यात्रा क्यों करते हैं, What is the reason? क्या कारण है कि वो अंटार्कटिका जाते हैं। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अंटार्कटिका लेखिका क्यों जाती है, लोग क्यों जाते हैं, वो इस अर्थ का, इस प्लेनेट का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ को जानना चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ की विजिट करते हैं। आंसर देखिएगा, पीपल विजिट अंटार्कटिका टू नो द अर्थ पास्ट एंड फ्यूचर, लोग अंटार्कटिका की यात्रा करते हैं जानने के लिए पृथ्वी का भूत और भविष्य। दे विजिट इट, वे यहाँ की यात्रा करते हैं, इट किसके लिए, अंटार्कटिका के लिए यूज किया गया, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ कोडिलेन फॉल्ट्स, कोडिलेन फॉल्ट्स जो सतहें हैं उनके महत्व को जानने के लिए वो वहाँ की यात्रा करते हैं, अर्थ के भूत और भविष्य को जानने के लिए वहाँ की यात्रा करते हैं। इट इज़ अमेजिंग टू थिंक, ये सोचना बहुत ही अमेज कर देने वाला, हैरान कर देने वाला, दैट की बिग चंक्स होता है टुकड़े ऑफ लैंडमास, यानी कि लैंडमास किसके लिए यूज किया स्टूडेंट्स, ये अंटार्कटिका जो भूमि का टुकड़ा है वो भूभाग जो है, यानी कि इसमें कहा गया है कि दैट बिग चंक्स, बड़े बड़े भाग ऑफ लैंडमास, उस भूमि के टुकड़े के बड़े बड़े हिस्से सेपरेटेड अलग हो गए फ्रॉम इट, इससे अंटार्कटिका से, एंड फॉर्म द कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे, और आज के जो महाद्वीप का निर्माण हुआ, यानी कि अंटार्कटिका से जो भूमि के बड़े बड़े हिस्सों का जो है सेपरेशन हो गया, अलग हो गए वो, तो उनसे जो आज के महाद्वीप कहे जाते हैं उनका निर्माण हुआ। आगे देखिएगा, इंडिया गोट सेपरेटेड एंड जैम्ड अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ एशिया, जो अंटार्कटिका का हिस्सा हुआ करता था भारत, वो भी उससे अलग हो गया और जैम्ड मिल गया अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ एशिया, शेष एशिया में जा मिला। दिस रिजल्टेड, इसके परिणाम स्वरूप, इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय का निर्माण हुआ, एंड इंडिया ज्वाइनिंग द एशिया अगेन, और इंडिया ने दोबारा, इंडिया दोबारा जो है एशिया में पुनः जा मिला, राइट। साउथ अमेरिका ब्रोक अवे, अडॉइंड नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ब्रोक अवे, खिसकता रहा, अडॉइंड नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से मिलने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जे साइलेंट है, बाकी जगह अगर डी के साथ जे और जी का कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ डी साइलेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जे साइलेंट है, अडॉइंड। तो इसमें कहा कि जो दक्षिण अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका से मिलने के लिए खिसकता रहा है। दिस ओपन्ड द ड्रेक पैसेज, जिसकी वजह से उसने ड्रेक जो पैसेज स्टूडेंट्स उसको खोल दिया है, ड्रेक पैसेज को उसने ओपन कर दिया है। टू क्रिएट अ कोल्ड करंट अराउंड द साउथ पोल, जिसकी वजह से एक ठंडी ध्रुवीय धारा का निर्माण हुआ है, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका है स्टूडेंट्स वो उत्तरी अमेरिका से मिलने के लिए अडॉइंड, ब्रोक अवे, अडॉइंड मिलने के लिए खिसकता रहा है। उसके खिसकने से क्या हुआ कि ड्रेक जो पैसेज है, जो रास्ता है, मार्ग जो है वो खुल गया, और उसके खुलने से कोल्ड करंट मतलब स्टूडेंट्स ठंडी धारा, अराउंड द साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव के इर्द गिर्द ठंडी धारा का निर्माण हुआ। राइट, जिससे क्या हुआ, विच कीप्स द अंटार्कटिका कोल्ड एंड बैरन, जिससे अंटार्कटिका काफी ठंडा और सुनसान बना रहता है। राइट, यानी कि अंटार्कटिका को ठंडा और सुनसान बनाए रखने का जो कार्य है वो इस प्रोसेस से हुआ है, जो दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका से मिलने के लिए खिसकता रहा, जिससे ड्रेक पैसेज खुला, जिससे स्टूडेंट्स जो है कि ठंडी धारा का निर्माण हुआ, और वो ठंडी धारा की वजह से क्या होता है, अंटार्कटिका हमेशा ही ठंडा और सुनसान बना रहता है। इन अंटार्कटिका देर आर नो नाइट्स एंड डेज, अंटार्कटिका में स्टूडेंट्स एज वी एक्सपीरियंस हियर, जैसा हम यहाँ अनुभव करते हैं दिन रात का, अंटार्कटिका में दिन और रात नहीं होते हैं। ऑलराइट, देर इज साइलेंस एवरीवेयर, वहाँ हर जगह चुप्पी शांति होती है, खामोशी होती है, विच इज़ ब्रोकन ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंच, जो कि ब्रोकन ओनली, टूट जाती है, भंग हो जाती है, ओकेजनल कभी कभार, एवलेंच का मतलब होता है स्टूडेंट्स हिमस्खलन, यानी कि ग्लेशियर जो मेल्ट होते हैं, जो आइस सेल्व्स, जो सीट्स हैं, जो वहाँ स्टूडेंट्स कोलैप्स होती हैं बर्फ़ के टूटने से, बर्फ़ के मेल्ट होने से, एवलेंच होने से, हिमस्खलन होने से, वहाँ शांति कभी कभार भंग हो जाती है, नहीं तो वहाँ बहुत ही पीस साइलेंस रहता है एवरीवेयर। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अंटार्कटिका हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, किस प्रकार से अंटार्कटिका हमारी सहायता करता है समझने में भूत, वर्तमान और भविष्य इस पृथ्वी का। ये स्टूडेंट्स हमने चैप्टर में बखूबी इस पर डिस्कस किया था प्रॉपरली, तो देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ बीन ऑन दिस अर्थ, मानव सभ्यता का जो एग्जिस्टेंस है अर्थ पर उसका जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट, जो अवधि है वो 12,000 ईयर्स मानी जाती है। दिस इज़ वेरी स्मॉल पीरियड, बहुत ही कम अवधि है स्टूडेंट्स, एज कम्पेयर टू द लाइफ ऑफ दिस प्लैनेट। यदि हम इस ग्रह के जीवन से तुलना करें, मानव का जो एग्जिस्टेंस, ह्यूमन बींग का जो एग्जिस्टेंस है इस प्लैनेट के ऊपर, यदि उसकी तुलना हम इस प्लैनेट की लाइफ से करें, तो ये बहुत एक स्मॉल पीरियड बनता है, बहुत स्मॉल अवधि बनती है। येट इन दिस पीरियड मैन हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट, फिर भी इस थोड़ी सी अवधि में मनुष्य ने बहुत अधिक प्रोग्रेस किया, बहुत तरक्की की है। बट दिस प्रोग्रेस हैज़ लेड टू एनवायरमेंटल डिप्लीशन एंड पोल्यूशन, किंतु इस प्रोग्रेस की वजह से पर्यावरण का काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी पोल्यूशन बढ़ा है पर्यावरण में। देर आर क्लाइमेट चेंजिंग, यहाँ काफ़ी जो है जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। एंड द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग, और जो औसत भूगर्भीय जो तापमान स्टूडेंट, जो औसत भूमंडलीय जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहा है। By burning fossil fuel, जीवाश्म ईंधन के जलने से जो भूमंडलीय जो तापक्रम स्ट्रेंथ टेम्परेचर वो बढ़ता रहता है। Man has created a blanket of carbon dioxide around the earth, जीवाश्म ईंधन के जलने से मनुष्य ने अर्थ के अराउंड इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट का निर्माण कर दिया है। द टेम्परेचर इज राइजिंग बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से भू जो मंडलीय टेम्परेचर स्टूडेंट्स वो बढ़ रहा है। नो वन कैन से विद श्योरिटी, कोई भी इस बात को यकीन के साथ, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हाउ द ग्लोबल वार्मिंग, किस प्रकार से भूगर्भीय जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो विल हैव इट्स इफेक्ट ऑन द अर्थ, पृथ्वी किस प्रकार प्रभावित करेगा। यानी कि कोई भी इस बात को श्योरिटी से नहीं कह सकता कि भूगर्भीय जो तापमान बढ़ रहा है वो पृथ्वी को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, क्या उसका इफेक्ट होगा। द बेस्ट प्लेस वेयर दिस इफेक्ट कैन बी स्टडीड इज एंटार्क्टिका, यानी कि वो सबसे बढ़िया स्थान, सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा है जहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है, भूमंडलीय तापक्रम बढ़ रहा है, और भूमंडलीय जो तापक्रम बढ़ रहा है स्टूडेंट्स वो पृथ्वी को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उसका पता लगाने के लिए अंटार्कटिका से बढ़िया कोई जगह नहीं है इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए। दिस रीजन हैज़ बीन अनस्पॉइल्ड बाई मैन, यानी कि ये क्षेत्र जो है मनुष्य के द्वारा प्रदूषित नहीं किया गया है। इट हैज़ ए सिंपल इकोसिस्टम, इसके जो जैव पर्यावरण स्टूडेंट्स, जो इसके पारिस्थितिकी तंत्र है वो बहुत ही आसान है। इकोसिस्टम होता है जैव पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। देर आर वेरी एंसेंट कार्बन रिकॉर्ड्स इन द कोर्स ऑफ इट्स आइस, यानी कि अंटार्कटिका में जो बर्फ की परतें स्टूडेंट्स, उनमें बहुत ही पुराने, वेरी एंसेंट कार्बन रिकॉर्ड्स, बहुत पुराने कार्बन के रिकॉर्ड हैं। सो वन कैन स्टडी द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ एट अंटार्कटिका, इसलिए कोई भी स्टूडेंट्स अंटार्कटिका की यात्रा कर पृथ्वी का भूत, वर्तमान और भविष्य जान सकता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आंसर इसका बहुत सिंपल। ओके, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द राइटर विजिट अंटार्कटिका, लेखिका ने अंटार्कटिका की यात्रा क्यों की। व्हाट डज सी से, वह क्या कहती है अबाउट गोंडवाना के बारे में, वो क्या कहती है जो एक बहुत ही सुपर जायंट कॉन्टिनेंट स्टूडेंट्स। आंसर देखिएगा, द राइटर विजिटेड द अंटार्कटिका टू नो, लेखिका ने अंटार्कटिका की यात्रा की टू नो, जानने के लिए। द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ दिस प्लेनेट, यानी कि इस ग्रह के भूत, वर्तमान, भविष्य को जानने के लिए लेखिका ने वहाँ की यात्रा की। सी वॉन्टेड, वह चाहती थी टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर, लेकिन उस यात्रा के दौरान उसने एक प्रोग्राम जो था, जो कार्यक्रम था जिसका नाम स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फ पर विद्यार्थी था, तो उसने उसका सहारा क्यों लिया, क्योंकि वो चाहती थी टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर, विद्यार्थियों को अवेयर करना, सचेत करना, जागरूक करना टुवर्ड्स देयर प्लेनेट, उनके ग्रह के प्रति। ऑन विच, जिस पर दे आर टेकिंग, जिस पर वो स्वप्न ले रहे हैं टू लीड देयर लाइफ, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, इन सच ए वे, इस तरीके से, इन विच, जिसमें दे कुड फील प्राउड ए लॉट, जिसमें वो बहुत अधिक गर्व महसूस कर सकें, एंड गिव द हेल्दी एंड फ्रेश एनवायरनमेंट फॉर कमिंग जनरेशन, और आने वाली जो जनरेशन है उनको कैसे स्वस्थ और स्वच्छ एनवायरनमेंट वो दे सकते हैं, राइट। द राइटर सेज, लेखिका कहती है दैट कि अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो, 600, लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले, देयर वॉज ए जायंट सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना, एक बहुत ही विशाल महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम गोंडवाना था स्टूडेंट्स, विच वॉज सेंटर्ड, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि कहाँ स्थित था स्टूडेंट्स, विच वॉज सेंटर्ड राउंड द प्रेजेंट अंटार्कटिका, जो कि आज का जो वर्तमान का जो अंटार्कटिका स्टूडेंट्स, उसके इर्द गिर्द ही केंद्रित था गोंडवाना जो कॉन्टिनेंट था स्टूडेंट्स। देयर वर नो ह्यूमन बींग्स एट द टाइम, उस समय तक मानव धरती पर नहीं आया था, मानव का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था इस प्लेनेट के ऊपर। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जलवायु बहुत अधिक गर्म थी। अबाउट 500 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले, द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, डायनासोर विलुप्त हो गए थे। द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे, और स्तनधारियों का युग आने वाला था, यानी कि मानव जाति का एग्जिस्टेंस जो है इस प्लेनेट के ऊपर, उसका समय आने वाला था।
एंड द लैंड मास सेपरेटेड इंटू कॉन्टिनेंट्स, और वो भूमि का टुकड़ा अंटार्कटिका सेपरेटेड बट गया इंटू कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों में। ऑलराइट, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपरली समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट स्टूडेंट्स, तो आपके पास फैसिलिटी है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट आप ले सकते हो, और आपको कमेंट्स करने चाहिए ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कहाँ तक समझ आया कहाँ तक नहीं समझ आया स्टूडेंट्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।